आज हम सीखने वाले हैं चार टूल्स को हम किस तरीके से यूज करते हैं। पिछली वीडियो में हमने स्मार्ट आर्ट के बारे में सीखा था। अब हम लेके चल रहे हैं चार्ट। तो जैसे कि मान लीजिए हमने एक चार्ट में चलते हैं और चार्ट में जाने के बाद में जैसे कि ये कहाँ किस में यूज होता है। तो जैसे कि मान लीजिए इसका मतलब होता है शेयर वाइज। जैसे कि मान लो शेयर वाइज में ही ज़्यादातर काम में आता है। नॉर्मली आप समझ लीजिए कहाँ पर मतलब बढ़ रहा है और कहाँ पे कोई भी चीज़ गिर रही है। तो उस तरीके से जैसे कि मान लो हम एक डेटा हम तैयार कर लेते हैं, किसी स्कूल का ही हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले हम नेम ले लिया, सब्जेक्ट हम ले लेते हैं जैसे कि हमने हिंदी, कंप्यूटर, और यहाँ पे हमने नेम ले लिए और नेम में हमने किसी का भी हमने नेम ले लिया स्कूल के में से बच्चों का, राहुल, रोहित, मोहित और सुमित। अब यहाँ पे हम मार्क्स दे देते हैं। यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए 100 में से हम कितना लेके आ रहे हैं, 56 दे दिए, और यहाँ पे हमने 45 इस तरीके से। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसको हमें क्या करना है, इसे यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। अब इस तरीके से हमारा ये चार्ट खुल के हो आ जाएगा। अब यहाँ से हम कहाँ चलते हैं, डिज़ाइन में, और डिज़ाइन में आता है जैसे कि मान लीजिए यहाँ हमें क्या करना है, चार्ट की हमें टाइप में जाएंगी, और या आपको जैसे कि मान लीजिए ये नहीं अच्छा लग रहा है तो हम क्या करेंगे, टाइप में जाने के बाद में जो भी आपको ठीक लग रहा है वो अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें तो ये वाला ठीक लग रहा है और इसको ओके प्रेस करेंगे, इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, अब इतना करने के बाद में अब आता है दोबारा से हम कहाँ चल रहे हैं, लेआउट की तरफ। और यहाँ से हमने जैसे कि मान लीजिए लेआउट में किस तरीके का हमें लेआउट रखना है, हमने कहा इस तरीके से हम लेआउट रखना चाहते हैं। फिर इतना करने के बाद में आगे लेके चल रहे हैं स्टाइल में, और स्टाइल में जैसे कि मान लीजिए हमें कौन सा स्टाइल अच्छा लग रहा है, अपने हिसाब से स्टाइल चेंज कर सकते हैं। हमने कहा ये सिंपल वे में अच्छा लग रहा है या कुछ और हटके रखना चाहें, उनको आप इस तरीके से नहीं 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 ये नहीं अच्छा लग रहा, ओके अब ठीक है। इतना करके आगे लेके चल रहे हैं जैसे कि मान लीजिए हमें कोई पिक्चर हमें ऐड करनी है, इसमें लगाना है तो वो भी हम लगा सकते हैं, या शेप हमें बनानी हो तो जैसे कि मान लीजिए हमने एक स्माइली ले ली और इसको हम इस जगह पे ऐड करना चाहते हैं, ओके पिक्चर अपने हिसाब से आप रख सकते हैं जो भी देना चाहें, कलर में जाएंगे और कलर भी आप डाल सकते हो इसमें। पिक्चर्स में जाने के बाद में पिक्चर्स कलर आ जाते हैं, येलो कलर इसकी शैडो दे दी, शेप में चेंज करना है चाहेंगे तो आप चेंज भी कर सकते हैं, इस तरीके से हम तैयार कर देंगे इसे। और आगे लेके चल रहे हैं जैसे कि मान लो ये जो लेआउट है, लेआउट से में हम चलते हैं, एक सेकेंड, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे टाइटल को हम किस जगह पे रखना चाहते हैं तो हम ऊपर की साइड में यहाँ पे हम अपना टाइटल भी रख सकते हैं, और टाइटल में जैसे कि मान लीजिए किसी स्कूल का हमने नेम दे दिया KMPS, टाइटल हमने दे दिया यहाँ पे, और इसको कहाँ पे रखना चाहते हैं, थोड़ा सा ऊपर की साइड में और रख देंगे यूं करके इस तरीके से। फिर एक्स
एक्सेस टाइटल मतलब और भी आप रखना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए हॉरिजेंटल में चाहिए या वर्टिकल में, तो हम वर्टिकल में भी इसको रख सकते हैं। वर्टिकल में किधर की साइड में हमें रखना है तो अपने हिसाब से इसे भी चेंज कर सकते हैं। तो हमने कहा इस जगह पे रखना है, पर हमारा तो एक ही टाइटल है तो हम इसको हम हटा देंगे कि हमें नहीं चाहिए यहाँ पे। अब इतना करने के बाद में टेबल और भी, जैसे कि मान लीजिए हमें टेबल को शो कराना है, अभी हमारी शो नहीं कर रही है, तो हम कहाँ जाएंगे, डेटा टेबल में चलते हैं। और डेटा टेबल में जाने के बाद में शो डेटा टेबल में चलते हैं इस तरीके से। तो अब आगे जैसे कि हम लेजेंड में चलते हैं, और लेजेंड में हम इसको हम किस तरीके से शो कराना चाहते हैं, जैसे कि हमारी ये सब्जेक्ट इधर साइड में ये शो कर रहे हैं, इसको हम कैसे रखना चाहते हैं, राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ या डाउन पे रखना चाहोगे, उस तरीके से अपने हिसाब से हम दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें लेफ़्ट की साइड, तो इस तरीके से आपके शो कर जाएंगे, या वैसा ही रखना है राइट की साइड में तो हम राइट की साइड में रख लेंगे। और इतना करने के बाद में आता है डेटा टेबल्स, और टेबल्स को हम जैसे कि मान लीजिए अभी ये जो टेबल्स आपकी शो कर रही है, पर हम चाहते हैं जो हमारा चार्ट है तो हम चार्ट पे भी इसी तरीके से हम शो कराना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। और यहाँ से हम देख भी सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सुमित है, और सुमित के हिंदी में कितने आए, 38 आए हैं, और मैथ में कितने हैं, 45, और यहाँ कंप्यूटर पे कितने आए हैं, यहाँ पे 42 आए हैं। इसी तरीके से आपके सभी के इसी तरीके से शो कर आ रहा है। ओके, अब आगे लेके चल रहे हैं ग्रेडियंट्स। यहाँ पे हम ग्रेडियंट्स लगाना चाहेंगे, जैसे कि मान लीजिए हॉरिजेंटल में हम लेके चलेंगे, हॉरिजेंटल में जैसे कि आपको किस तरीके से शो कराना है, तो हमने कहा इसी तरीके से शो कराना है, तो इस तरीके से शो कर जाएगा। और थोड़ा सा ला कर लीजिए, अब अच्छा लगेगा देखने में। और आगे अब लेके चल रहे हैं ग्रेडियंट्स में ही वर्टिकल में भी लगा सकते हैं आप, जैसे कि मान लीजिए वर्टिकल में इस तरीके से भी हम शो कर सकते हैं। अब तो ठीक लग रहा है ना, वाओ अच्छा लग रहा है। अब आगे लेके चल रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए चार्ट फेल में, और शो हम कराना चाहेंगे इस तरीके से शो करा लेंगे, थोड़ा सा हल्का सा दिखेगा, ज़्यादा नहीं दिखेगा ये। फिर इतना करने के बाद में चार्ट फ्लोर पे हम आ जाते हैं, फ्लोर पे हम जैसे कि मान लो इस तरीके से हम थोड़ा सा फ्लोर की साइड में यूं करके साइड में हल्का सा शो करेगा ये। 3D रोटेट में जैसे कि हम चलते हैं, उसको हम किधर कितना साइड में हम इसको रोटेट करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम अपने चार्ट को रोटेट भी कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए रोटेट हो रहा है, और नहीं रोटेट करना है, हमने कहा कुछ ज़्यादा ही हो गया था और बड़ा करना है, इस तरीके से शो कर गया, ठीक है ना। फॉर्मेट की तरफ लेके चल रहे हैं, और फॉर्मेट में जैसे कि मान लो इसी चार्ट को हमें फॉर्मेट करना है, मतलब सुंदर और सुंदर बनाना है, तो हमने जैसे कि मान लीजिए इस तरीके से कलर कर दिया। सेव फिल में चलते हैं यहाँ से, और सेव फिल में मान लो कौन सा कलर चाहिए हमें, इस तरीके से जो भी कलर देना चाहो अपने हिसाब से दे सकते हो। ओके, अब वो आता है जैसे कि मान लो सेव का आउटलाइन, जो आउटलाइन हम लगाएंगे यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए ग्रीन कलर की हमने आउटलाइन, ग्रीन तो ऑलरेडी है यहाँ से, लेकिन हम यहाँ से ब्लू कर देते हैं। चलिए ब्लू कलर कर दिया, पर थोड़ी सी शो करेगी, ज़्यादा नहीं दिखे रही। विथ में चलेंगे इसको इस तरीके से, आप देखिए अब शो कर रहा है इस तरीके से। अब आता है सेव की इफ़ेक्ट्स में चलते हैं, और इफ़ेक्ट्स में जैसे कि मान लीजिए हमें शैडोज लगानी है, तो हम शैडो लगा देंगे इस तरीके से, हल्का सा ये शैडो दिखेगी, ज़्यादा नहीं दिख रही होगी। आगे लेके चलेंगे, ग्लो भी कर देंगे, थोड़ा सा दिखेगा आपको, अच्छा लगेगा ग्लो इस तरीके से। देखिए ग्लो भी करने लगा ये। अब आता है जैसे कि सेलेक्ट किया हमने इसे, और सेलेक्ट करने के बाद में इसका जो राइटिंग है, ये वाइट कलर में ये दिख रहा है, पर हमें नहीं अच्छा लग रहा है, तो हम क्या करना चाहेंगे, इसका जो टेक्स्ट है उसको हम चेंज करते हैं, वर्ड आर्ट स्टाइल में चलते हैं, और यहाँ से हम मान लीजिए कौन सा वाला चाहिए आपको, जो भी आपको ठीक लगे कर सकते हैं, हमने कहा ये वाला। फिर टेक्स्ट फिल में चलेंगे, फिल कर देंगे आपको हम रेड कलर इस तरीके से, हल्का सा शो करेगा ये, ज़्यादा नहीं दिखेगा। इफ़ेक्ट्स में आ जाते हैं, और इफ़ेक्ट्स में जैसे ग्लो वगैरह देना है आप उससे भी दे सकते हो। तो ये हमारा ये चार्ट तैयार हो चुका है, कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए।